आपके लिए छोटी सी कहानी लेकर, जिसकी नसीहतें आपकी जिंदगी की कुछ गुत्थियों को जरूर सुलझा देगी। आज की कहानी है दोस्त का जवाब। बहुत समय पहले की बात है, दो दोस्त राम और श्याम बीहड़ इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने लगी। गर्मी के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम करते। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की भी कुछ चीजें रखी हुई थी। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो दोनों दोस्त राम और श्याम ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। धीरे धीरे दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त राम ने दूसरे दोस्त श्याम को थप्पड़ मार दिया, पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त श्याम चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उसे नीचे मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त राम ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। मनमुटाव होने के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए दोस्त श्याम की चीखने की आवाज आई। वह गलती से दलदल में फंस गया था। दूसरे दोस्त राम ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से निकाल दिया। इस बार भी वह दोस्त कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और श्याम ने एक विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त राम ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा करता देख दूसरे मित्र राम से रहा नहीं गया और उसने श्याम से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरेद कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? श्याम बोला, जब कोई तकलीफ दे दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवा इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे जहन से बहा ले जाए। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वो कभी हमारे जहन से मिट ना जाए। सीख बस इतनी सी है कि बुराई को खुद से दूर रखो और अच्छाई को ग्रहण करो।